नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन भी तुहाडा स्वागत है। नजर पौने आ पंजाब सूबे समेत दुनिया भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। दिल्ली विच करोना नूं लैके मुड़ विगले हालात एक दिन च सामने आए। 8000 तों वध करोना पॉजिटिव मामले अते 85 लोकां दी मौत। बॉलीवुड अदाकारा आसिफ बसरा ने कीती खुदकुशी। परजानियां ते ब्लैक फ्राइड जैसी फिल्मां विच निभाई सी विशेष भूमिका। पंजाब दे किसान जथेबंदियां ने केंद्र वल्लों दित्ता गल्लबात दा सद्दा प्रवान कीता। 13 नवंबर नूं दिल्ली विच होएगी मंत्रियां नाल मीटिंग। अमृतसर च किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दुकानदारां नूं काली दिवाली मनाउण दी कीती अपील। सूबे च ग्रीन दिवाली दे ऐलान ने पटाका व्यापारियों की उड़ाई नींद। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक सकते हैं नीतीश कुमार। भारतीय जल सेना नूं स्कारपिन श्रेणी की मिली 5वीं पनडुब्बी। छेती ही भारत परत रही है पबजी कंपनी। देश विच करेगी 10 करोड़ डॉलर का निवेश। लोगों का समर्थन सानू मिलिया पर एनडीए ने धन धोखे के बल से जित हासिल की, बोले तेजस्वी यादव। जेल विच बंद सैकड़ा कश्मीरियों की तत्काल सुनवाई की जाए, बोली महबूबा मुफ्ती। उमा भारती बोली तेजस्वी संभाल सकते ने बिहार लेकिन थोड़े वड्डे हो जाण। भारत ते चीन विचाले तनाव च रूस की एंट्री, यूरेशिया लई खतरा करार। फिलहाल इस बुलेटिन च इतना ही। ज्यादा खबरां वेखण लई तुसी वेखदे रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।